हेलो एवरीवन, ये देखिए हमने बैगन आलू टमाटर की सब्जी बनाई है और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है। अच्छी बनी है ये सब्जी, थोड़ी सी लुटपुटी बनाई है और ये खाने में बहुत ही अच्छी है। अगर आप हमारे चैनल वेजी इंडिया पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। गरम गरम पराठे के साथ गरम गरम सब्जी खाइए। ये हमने 300 ग्राम बैगन लिए हैं और मीडियम साइज के लिए, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे भी नहीं हैं। और ये देखिए इनको धो के रख लिया है हमने और सब्जी बनाना शुरू करेंगे। अब आप देखते जाइए आगे वीडियो, किस तरह से सब्जी बनाइए और किस तरह से काटे हैं। ये सब इसमें डालने के लिए दो आलू लिए, नए आलू हैं, और दो टमाटर लिए हैं। और हम अब बैगन को काटना शुरू करते हैं और बैगन को पानी में ही काटा जाता है। और इसके लिए हमने एक बड़े बाउल में पानी ले लिया है और बैगन को काटना शुरू करते हैं। और ये देखिए किस तरह से काट रहे हैं, इनकी जो साइड में पत्ती जैसी लगी रहती है उनको हम हटाते जा रहे हैं, और जो इनकी डंडी है बैगन की उनको भी हमने आधा कर दिया है। बाकी जो डंडी आधी है वो हम सब्जी में डालेंगे, क्योंकि सब्जी में बैगन की डंडी खाने में बड़ी अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और ये देखिए हमने पानी जो लिया उसी में हम बैगन को काट रहे हैं, क्योंकि बिना पानी के बैगन अगर अलग से काटते हैं तो उनका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, और पानी में काटने से कलर वैसा ही बना रहता है जैसा ओरिजिनल कलर होता है। और ये इस तरह से हम बैगन को काटते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट सब्जी बन रही है ये, आप भी बनाइए और हमारे वेजी इंडिया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और वीडियो देखकर आप जरूर सब्जी बनाइए। ये देखिए इस तरह से हमने बैगन काट के तैयार कर लिए हैं। अब बैगन में हम जो डालेंगे और चीज़ें वो भी हम तैयार करते जा रहे हैं। बैगन को एक तरफ काट के कर दिया है। अब हमने आलू लिए हैं तो ज़्यादा आलू नहीं डालेंगे, नए आलू हैं तो इनको ऐसे ही ऊपर से छील लेंगे, ज़्यादा छीलने की जरूरत भी नहीं है। और छील के अब हम इनको काटना शुरू कर रहे हैं। आलू को भी हमने बैगन के ऊपर ही, बैगन के साथ ही मतलब काट लिया है, ज़्यादा मोटे नहीं है, पतले भी नहीं है। इस तरह से हमने आलू काट के तैयार कर लिए हैं, और आलू भी तैयार हो चुके हैं कट के और बैगन भी तैयार हो चुके हैं। अब हम काटते हैं टमाटर। टमाटर से खट्टापन आ जाएगा और सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो देखिए टमाटर को भी हम काट रहे हैं। टमाटर के अंदर जो एक सफ़ेद ये आँख सी निकलती है उसको अलग करते जाते हैं। इस तरह से हमने टमाटर काट के तैयार कर लिए। चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। और कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तब हम उसमें तेल डालेंगे। अब देखिए कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो हमने सरसों के तेल से छौंक रहे हैं। और ये हम मेथी, बैगन की सब्जी में मेथी डलती है ना, मेथी बादी को मारती है। और ये देखिए हींग भी डाल दी है, और इस तरह से हींग और मेथी को हम भून रहे हैं। मेथी भून चुकी है, हींग भी भून चुकी है। अब इसमें हमने डाला है अदरक, काट के रखा है ये अदरक, कटा हुआ डाला है। ये देखिए अदरक को भी भून लिया हमने ये अच्छी तरह से। अब आगे हम डालेंगे इसमें जो, वो आप देखते जाइए कि क्या क्या डालना है। और इसमें सब्जी में जो डालना है तो सूखे मसाले लिए हैं आधा चम्मच हमने, हल्दी डाली है, मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच, और थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है मसालों को भूनने के लिए। सूखे मसाले हैं तो पानी डालने से अच्छी तरह से भुन जाती हैं। तो ये देखिए मसालों को हम भून रहे हैं अच्छी तरह से, और ये मसाले तैयार हो रहे हैं। मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया, यानी मसाले भून के तैयार हो गया। और ये हम डालेंगे इसमें बैगन आलू जो हमने काट के रखी है वो डालना शुरू कर दिया है। सब्जी बन रही है बैगन आलू टमाटर की। तो देखिए इस तरह से पानी में से निकाल के हम बैगन और आलू को डालते जा रहे हैं। देखिए बैगन आलू में कढ़ाई में डाल दिए और मसाले को अच्छी तरह से मिला रहे हैं बैगन आलू में। इससे मसाला अच्छी तरह से मिल जाएगा तो सब्जी अपने आप ही स्वादिष्ट बनेगी, टेस्टी बनेगी। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जो मस्टर्ड
है नमक, बिना नमक के सब्जी का स्वाद थोड़ा ठीक ही रहता है। तो ये देखिए नमक डाल दिया है और नमक को भी अच्छी तरह से सब्जी में मिला लेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमने नमक भी मिला लिया है। अब हम बना रहे हैं बैगन आलू टमाटर की सब्जी। तो टमाटर सबसे लास्ट में हमने डाले हैं, ये तो टमाटर लिए थे और ये टमाटर को डाल दिया है ऊपर से सब्जी में। और उसको पकने के लिए अभी 2 मिनट के लिए ढकेंगे केवल। और ये हमने पानी डाल दिया है थोड़ा सा, क्योंकि सब्जी को हम लुटपुटा बना रहे हैं थोड़ा सा, है ना। तो हमने सब्जी को पानी डाल दिया थोड़ा और 2 मिनट के लिए हमने इसे ढक दिया है। अभी 2 मिनट बाद 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम सब्जी को खोल के देख रहे हैं। तो सब्जी को हम ऊपर नीचे करेंगे इस टेपला से। ये देखिए सब्जी को हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, जिससे टमाटर मसाले नमक और ये अच्छी तरह से मिल जाएगा और सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी। फिर हमने 7 मिनट के लिए ढक दिया और ये 7 मिनट हो चुके हैं। तो हम सब्जी को खोल के देख रहे हैं कि सब्जी हमारी अभी बन चुकी है या थोड़ी सी कसर और है। सब्जी को चला के देख रहे हैं और सब्जी गल चुकी है, बिल्कुल बढ़िया सब्जी। और ये गरम मसाला अब इसमें सब्जी में हम डाल रहे हैं। गरम मसाले से स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है और गरम मसाला हमने सब्जी में डाल दिया है। अब ये हम गरम मसाले को अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिससे सुगंध गरम मसाले की सब्जी में आती है और फायदा भी करता है गरम मसाला, ना सर्दियों के दिनों में तो बहुत फायदा करता है। और देखिए सब्जी को अब हम सर्विंग बॉल में डोंगे में परोस रहे हैं। और थोड़ी लुटपुटी बनाई है तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा इसमें रस भी है जो गाढ़ा हो चुका है। इस तरह से हम सर्विंग डोंगे में इसको परोस रहे हैं सब्जी को। आप जरूर बनाइए और गरम गरम सब्जी के साथ पराठा खाइए, और पराठे भी गरम हो सब्जी भी गरम हो तो बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए धनिया से हमने गार्निश कर दिया सब्जी को और सब्जी देखने में भी अच्छी लग रही है। जैसी देखने में अच्छी है वैसे खाने में भी अच्छी है। और आप जरूर बनाइए। हमारे वेजी इंडिया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।